जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है खेल पॉइंट में। इस वीडियो में जो हम फुल फॉर्म देखने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम भारत के विभिन्न प्रकार के अर्धसैनिक बलों के फुल फॉर्म, शैक्षणिक संगठनों के फुल फॉर्म, खेल संगठनों के फुल फॉर्म, वैज्ञानिक संगठनों के फुल फॉर्म, इसके अलावा जो आपके भारत के विभिन्न प्रकार के आयोग हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, NCW हो गया, UPSC हो गया, SSC हो गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, यह वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं भारत के अर्धसैनिक बलों के फुल फॉर्म। इसमें है BSF। BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। अब क्या है सीमा सुरक्षा बल? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है और यह जो है भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्या कार्य करता है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का कार्य करता है, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा हो गई, भारत बांग्लादेश की सीमा हो गई, तो इनकी सुरक्षा का जो दायित्व है वह BSF को दिया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और वर्तमान में BSF के जो महानिदेशक हैं वह दलजीत से हैं, इन्हें खास कर याद रखना। अगला है CRPF। CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। CRPF है, यह भी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान में CRPF के जो प्रमुख हैं वह अनीश दयाल से हैं। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। CISF का मुख्य कार्य जो है वह सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, जैसे हवाई अड्डों की सुरक्षा हो गई, सरकारी भवनों की सुरक्षा हो गई, सरकारी स्मारकों की सुरक्षा हो गई, तो वह CISF के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान में CISF के जो महानिदेशक हैं वह राजविंदर सिंह भट्टी हैं। आगे है SSB। SSB का फुल फॉर्म है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सशस्त्र सीमा बल। यह जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का कार्य करता है, जैसे सीमा पार अपराधों को रोकना। ठीक है, भारत के क्षेत्र में कोई यदि अवैध तरीके से प्रवेश करता है या निकासी कर रहा है तो उसको रोकना SSB का कार्य होता है। इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और SSB के वर्तमान में महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं। NDRF। NDRF का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसका मुख्य कार्य है आपदाओं से निपटने के लिए विशेष टीमों को संगठित करना, उन्हें प्रशिक्षित करना, उनको प्रशिक्षण देना, तैयार करना, इत्यादि कार्य जो है NDRF करता है। ठीक है, आपदाओं से ग्रसित लोग हैं तो उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था करना, आपदा से बचाव के लिए अभियान इत्यादि चलाना, यह सब NDRF द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान में NDRF के जो महानिदेशक हैं वह पीयूष आनंद हैं। अगला है NSG। NSG का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा बल। NSG का कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना, आतंकवाद से रक्षा करना, और राज्य पुलिस बलों को आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण देना, इसका कार्य होता है। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान में महानिदेशक B.श्रीनिवासन हैं। अगला है ITBP। ITBP का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान में महानिदेशक राहुल रसगुत्रा हैं। ICG
आईसीजी का फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक बल। यह समुद्री क्षेत्रों में भारत के हित के लिए कार्य करता है आईसीजी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1969 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वह एस परमीश हैं। अब देखेंगे यहाँ से हम भारत के प्रमुख आयोगों की फुल फॉर्म। जैसे पहला दिया है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का कार्य क्या होता है? तो यह केंद्र और राज्य को तकनीकी सलाह देने का कार्य करता है। राज्यों को राष्ट्रीय हित के लिए क्या है, एक साथ साथ कार्य करने के लिए यह प्रेरित करता है। कौन? नीति आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह नरेंद्र मोदी जी हैं और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन कुमार बैरी जी हैं। अगला है एसएससी। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। अब एसएससी जो है वह भारत सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की भर्ती करता है, ठीक है। यह आयोग के लिए नीतियां बनाता है और एसएससी में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य और एक सचिव सह परीक्षा नियंत्रक होता है। एसएससी कई कैटेगरियों में परीक्षाओं को कंडक्ट करवाता है, जैसे एसएससी सीजीएल होता है आपका, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल होता है, एसएससी एमटीएस होता है। तो यह सब परीक्षाएं जो है एसएससी कंडक्ट करवाता है। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं राकेश रंजन, इन्हें याद रखना। यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। अब यह यूपीएससी जो है सिविल सेवाएं आयोजित करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926, मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। अब कौन कौन सी परीक्षाओं को कंडक्ट करवाता है यूपीएससी? तो आईएएस हो गई, पहली है आईएएस। अब जो परीक्षाएं कंडक्ट करवाता है उसमें जो उम्मीदवार टॉप रैंक हासिल करता है उसे आईएएस का पद प्राप्त होता है। आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। और जो आईएएस अधिकारी होते हैं वह अपने ज़िले में कानून को बनाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे लागू भी कर सकते हैं। दूसरा है आईपीएस। आईपीएस का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। तो इसका कार्य होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अगला है आईएफएस। आईएफएस का फुल फॉर्म है इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। तो विदेश मंत्रालय से संबंधित जो कार्य हैं वह आईएफएस अधिकारी करते हैं, ठीक है। आईएफएस का एक और फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वन विभाग से संबंधित जो सेवाएं होती हैं उसमें उसका कार्य जो है वह आईएफएस अधिकारी करते हैं, भारतीय वन सेवा। आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा। आईआईएस, इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस, भारतीय सूचना सेवा। यह प्रिंट मीडिया इत्यादि के माध्यम से सूचनाओं का प्रसारण करते हैं, ठीक है। आईआरएस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, भारतीय रेल लेखा सेवा। तो इन सभी परीक्षाओं को यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईआईएस, आईआरएएस। आगे है एनसीडब्ल्यू। एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इसका क्या कार्य होता है? तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार और शोषण की शिकायतों की जांच करना एनसीडब्ल्यू का कार्य होता है। इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं विजया किशोर राहतकर। टाटा ट्रस्ट कंपनी।
टाटा ट्रस्ट कंपनी की स्थापना हुई थी। टाटा ट्रस्ट कंपनी जो है वह सूचना और प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं के कार्य करता है, यह आपको याद रखना है। स्थापना 1868 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष नोएल टाटा को बनाया गया है। अब भारत के शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के फुल फॉर्म देखेंगे, जैसे आपका UGC हो गया। UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो UGC का क्या कार्य होता है, तो यह पात्र विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान देता है। शिक्षा के उच्च विकास के लिए यह केंद्र व राज्य सरकार को सलाह भी देता है। कौन? UGC। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और UGC के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह VCM जगदीश कुमार जी हैं। आगे CBSE। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। CBSE क्या होता है, तो यह देश में स्कूली शिक्षा, क्या? देश में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना CBSE का कार्य होता है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में CBSE के जो अध्यक्ष हैं वह राहुल सह हैं। NVDA। NVDA का फुल फॉर्म है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, यह एक निजी संघ है जो भारत के समाचार और करंट अफेयर्स से जुड़े नैतिक, परिचालन, नियामक, तकनीकी और कानूनी मामलों को सुलझाने का कार्य करता है, ठीक है। PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। PTI जो है यह भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख समाचार एजेंसी है। यह विभिन्न प्रकार के समाचारों को इकट्ठा करती है और उसे प्रकाशित करने का कार्य करती है। इसकी स्थापना हुई थी PTI की 27 अगस्त 1947 में, लेकिन 1 फरवरी 1949 से इसने काम करना शुरू किया था। मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। NCERT। NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अब NCERT, इसका मुख्य कार्य स्कूली शिक्षा से जुड़े मामलों में केंद्र व राज्य सरकार को सलाह देना, नीति निर्धारण में मदद करना NCERT का कार्य होता है। NCERT की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वह प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। अब देखेंगे भारत के वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन, जैसे इसरो। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो जो है यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करता है, किसका? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करता है। राष्ट्रीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अंतरिक्ष से जुड़ी सूचनाएँ देना, सेवाएं देना, अंतरिक्ष विज्ञान में रिसर्च करना, अनुप्रयोग करना इसके कार्य होते हैं। इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 में, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन। इसे याद रखना आप, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन। AEC। AEC का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग। अब यह क्या होता है, तो परमाणु प्रौद्योगिकी, क्या? परमाणु प्रौद्योगिकी और अनुसंधान कार्य करना AEC का कार्य है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करना, ठीक है, परमाणु ऊर्जा से जुड़े कई अन्य संगठनों का नेतृत्व करना AEC का कार्य होता है। इसकी स्थापना, तो AEC की जो स्थापना है वह 1 मार्च, कब? 1 मार्च 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है, ठीक है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं AK मोहंती। आगे है VSSC, इसका फुल फॉर्म है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अब ये क्या है, तो इसके द्वारा जो है वह रॉकेट बनाना, प्रक्षेपण यान, कृत्रिम उपग्रह आदि का निर्माण करना
उनका तकनीकी विकास इत्यादि करने का कार्य जो है वह VSSC के पास होता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 में। इसका मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में। वर्तमान में VSSC के जो अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर हैं। अब देखेंगे भारत के खेल संगठनों के फुल फॉर्म। IOA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। अब जो भारतीय ओलंपिक संघ है यह ओलंपिक खेलों और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करता है। ठीक है, और इन आयोजनों में भारतीय टीमों का प्रबंधन करना इत्यादि का जो कार्य है वह IOA के द्वारा होता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वर्तमान में अध्यक्ष PT ऊषा हैं। PT ऊषा को उड़न परी उपनाम से भी जाना जाता है। PCI का फुल फॉर्म क्या है? पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, भारतीय पैरालंपिक समिति। यह पैरालंपिक खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना PCI का कार्य होता है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अगस्त 1994 में। मुख्यालय दिल्ली में है और PCI की वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह देवेंद्र झाझड़िया जी हैं। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। यह सभी स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मैचों और मैच अधिकारियों की नियुक्ति करने का कार्य ICC करता है। क्रिकेट का आयोजन भी इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और वर्तमान में ICC के जो अध्यक्ष हैं वह जय शाह हैं। भारत के आर्थिक वाणिज्यिक संगठन संस्थानों के फुल फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले है फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। अब जो फिक्की है यह भारत में क्या आर्थिक विकास को बढ़ावा देना उनका समर्थन करने का कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। अगला है CII का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। यह भारत में क्या उद्योगों के विकास के कार्य करता है, विकास के लिए कार्य करता है, विदेशों में भारतीय व्यवसायों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष संजीव पुरी हैं। अगला इफ़को। इफ़को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति। अब जो इफ़को है यह उर्वरकों का निर्माण करना। ठीक है, यह कई प्रकार के उर्वरक संयंत्रों का संचालन भी करता है, जैसे यूरिया हो गया, DAP हो गया। ठीक है, DAP तो यह इफ़को के द्वारा इनका संचालन किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वह दिलीप संघानी हैं। आगे है नैस्कॉम। नैस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। नैस्कॉम की स्थापना हुई थी 1988 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और नैस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। अब भारत के बैंकों के फुल फॉर्म देखेंगे। RBI। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, RBI जो है यह मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन करता है, उसकी निगरानी करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय मुंबई में है और RBI के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वह श्री शक्तिकांत दास हैं और यह 25वें क्रम के हैं। इन्हें खास याद रखना, RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है।
SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में, मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में SBI जो अध्यक्ष हैं वह CS शेट्टी हैं। अगला एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इसकी स्थापना, एक्सिस बैंक क्या करता है, यह भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक होता है। क्या था? निजी क्षेत्र का बैंक होता है, ठीक है। यह बैंकिंग सेवाओं के रूप में ग्राहकों को लेन देन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ATM, व्यक्तिगत सेवाओं के रूप में बचत खाते, ठीक है, चालू खाते, ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि की सुविधाएं देता है। व्यावसायिक सेवाओं के रूप में जैसे वर्किंग कैपिटल ऋण, ठीक है, टर्म लोन, फाइनेंस इत्यादि की सुविधाएं जो है वह एक्सिस बैंक के द्वारा दी जाती हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी। IBA। IBA का फुल फॉर्म है इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ। तो IBA जो है यह भारतीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाना, बेहतर उसका समन्वयन इत्यादि कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है और IBA के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह MB राव हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।